वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। तो आज हम लोग फिर क्लास 11th के लिए जो वेक्टर चैप्टर शुरू किया था उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ रियल नंबर और एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड। एक्चुअली चिल्ड्रन आई एम फॉलोइंग एनसीईआरटी बुक। होता क्या है, कभी कभी बच्चों को एनसीईआरटी का लैंग्वेज समझने में दिक्कत होती है, तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी के लैंग्वेज को ही एनसीईआरटी के ही टॉपिक को फॉलो कर रही हूँ। और इसे देखिए, अगर ज़रूरत हो तो आज हम लोग शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। चिल्ड्रन, तो हमारा ये टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन of a vector by a real number। अब real number means क्या हो गया, 1 2 3 4 minus 1 2 3 4 कुछ भी हो। तो इस तरह से किसी vector को जब हम किसी real number से multiply करते हैं तो वो vector उसका magnitude उतना times बढ़ जाता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, ये हमारा वेक्टर है दिया हुआ, और इसको हम लोग किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लेते हैं कि कोई रियल नंबर है तो ये हमारा एक वेक्टर है, और किसी रियल नंबर लेमडा से मान लीजिए या इसे मल्टीप्लाई करते हैं लेमडा से, तो इसे लेमडा हम लोग पढ़ते हैं। मान लीजिए इसे लेमडा से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, एन पी क्यू कुछ भी ले सकते हैं। तो आपके एनसीईआरटी बुक में लेमडा है इसलिए मैं इस सिंबल का यूज कर रही हूँ। तो मान लेते हैं कि ये एक पॉजिटिव नंबर है लेमडा। पॉजिटिव नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 कुछ भी है। तो जब इस वेक्टर को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड इतना टाइम्स बढ़ जाएगा, लेमडा टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी कि वो मान लेते हैं लेमडा का वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू हम मान लेते हैं 2 लेते हैं, तो इस वेक्टर का कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड 2a। ये वेक्टर हो गया आपका 2a, इसे आप 2 वेक्टर a ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 टाइम्स इसका वैल्यू बढ़ गया। तो मान लेते हैं कि ये हमारा वेक्टर ए था। जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई किए इस नंबर से, तो अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 2 × वेक्टर ए। यानी कि अब ये लाइन इतना बड़ा था, अब ये जो हो जाएगा कितना, इसका ट्वाइस। इस तरह से ये हो गया आपका वेक्टर ए, जिसका कि मैग्नीट्यूड पहले वाले वेक्टर का दुगुना हो गया। मैग्नीट्यूड मतलब उसका जो वैल्यू था, तो ये अब 2 टाइम्स हो गया। अगर मान लेते हैं कि इस ये नंबर 5 होता, तो अब जो हमारा दूसरा वेक्टर है वो 5 टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड हो गया नए वेक्टर का, लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगा। क्या समझे आप, समझे आपने कि जब किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर का वैल्यू उस रियल नंबर के बराबर, मतलब उतना टाइम्स वो बढ़ जाता है, लेकिन डायरेक्शन उसका सेम रहेगा। आई बात समझ में? तो जैसे मान लेते हैं कि व्हीकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अभी वो 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, सॉरी वेलोसिटी से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर स्पीड कहते, ईस्ट डायरेक्शन कहते, तो वेलोसिटी ही होता, जा रहा है। और अब उस वो व्हीकल अब 200 मीन्स अब उसके वेलोसिटी को हम ट्वाइस कर दिए, 2 टाइम्स कर दिए, तो डायरेक्शन तो सेम है। अब वो ज़्यादा वेलोसिटी से चलना शुरू किया
पहले वाले वेलोसिटी का दुगुना वेलोसिटी से चलना शुरू किया, तो सिर्फ क्या हो गया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, डायरेक्शन तो सेम है। इस तरह से किसी वेक्टर को जब आप किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन सेम होता है लेकिन मैग्नीट्यूड उसका उतना टाइम्स बढ़ जाता है। बात आई समझ में? इस तरह से ये हुआ। लेकिन अगर मान लेते हैं किसी वेक्टर को जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नेगेटिव या ऐसे लिखते हैं नेगेटिव नंबर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मान लेट द वेक्टर लेट अ वेक्टर ए इट इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू, माइनस टू से अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं आप ये है वेक्टर ए, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए माइनस टू से, वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू, तो अब देखिए होगा क्या, इसका मैग्नीट्यूड तो दुगुना हो गया क्योंकि ये टू से हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड अब ट्वाइस हो गया, लेकिन माइनस टू इंटू वेक्टर ए हो जाएगा। अब देखिए तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वेक्टर ए इतना बड़ा था, इसका मैग्नीट्यूड ये था, अब वेक्टर ये जो अब नया वेक्टर हुआ उसका मैग्नीट्यूड दुगुना हो गया, तो इस वेक्टर को नए वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और डायरेक्शन भी उसका उल्टा हो गया, पहले वाले वेक्टर का इस वेक्टर का ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, ये माइनस टू हुआ, माइनस टू हो गया ये वेक्टर, यानी कि अब क्या देख रहे हैं मैग्नीट्यूड इस लाइन का ये दोगुना लेंथ इसका हो गया, यानी कि मैग्नीट्यूड ट्वाइस हो गया लेकिन डायरेक्शन उसका ऑपोजिट हो गया। इस तरह से आप जब किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन सेम होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड उस पॉजिटिव नंबर के बराबर टाइम उतना टाइम से वो बढ़ जाता है। अगर वो नंबर फाइव है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइव टाइम्स हो गया, अगर इस वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड है फाइव टाइम्स हो गया तो 1000 मीटर पर सेकंड हो जाएगा वेलोसिटी, डायरेक्शन सेम होगा। लेकिन अगर वो नंबर माइनस में है, माइनस से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स तो बढ़ेगा लेकिन उस वेक्टर का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। अब मान लेते हैं एक और चीज़ इसमें है इसी टॉपिक में कि जिस वेक्टर को जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि वो स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर कैन बी स्केलर ऑल्सो, लाइक अगर आप डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर वेलोसिटी इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट आप निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम, तो ये जो टाइम है ये स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जो नंबर जिस नंबर से आप किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कीजिएगा वो स्केलर भी हो सकता है, तो लेकिन जी अगर स्केलर भी है तो भी अगर उस नंबर से आप वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो
वेलोसिटी सॉरी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स बढ़ जाता है, लेकिन सिर्फ क्या होगा, लेकिन डायरेक्शन सेम होगा। तो जैसे कि हमारा ये वेलोसिटी वेक्टर है लेकिन टाइम स्केलर है, इसको मल्टीप्लाई किए तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल गया जो कि वेक्टर है। बताइए समझ में, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किए, टाइम स्केलर है, लेकिन हमको मिला क्या प्रोडक्ट में, वेक्टर ही मिला। तो इस तरह से किसी वेक्टर को अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कहने का मतलब एक नंबर है जो कि स्केलर है, तो सिंपल सी बात कि उतना टाइम्स उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा लेकिन डायरेक्शन सेम होगा। लेकिन अगर वो नंबर माइनस है तो उतना टाइम्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, इस तरह से। और लेकिन अभी और अभी मल्टीप्लीकेशन में बाकी है चिल्ड्रन, क्योंकि इसी में हमको पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, लेकिन वो अलग, जो ये सिंपलेस्ट टॉपिक था बेसिक वाला, इसलिए ये पहले दिया हुआ है, फिर बाद में उसको भी हम लोग देखेंगे। तो अब देखिए इसके बाद क्या है हमारा दूसरा, ये आपका हो गया फर्स्ट टॉपिक, फिनिश मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ रियल नंबर, ये हो गया आपका। अब चलिए दूसरा, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड। अब हमारा ये टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ से लाइन खींच के हमें वेक्टर एडिशन को करना है, मीन्स दो वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, इसका हम लोग जो बेसिक चीज़ है उस चीज़ को जानने जा रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड। चलिए बहुत छोटे छोटे टॉपिक को मैं हर वीडियो में लूँगी और एक्सप्लेन करूँगी, आप जिन्हें क्यूरियोसिटी है समझने का, एनसीईआरटी बुक को सिर्फ मैं फॉलो कर रही हूँ, ऐसे तो साइड बुक में बहुत सारी बातें रहती हैं, लेकिन इसी को इलेबोरेट करके दिया रहता है। लेकिन आपको जैसे कंपटीशन में, नीट में आपको एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, अगर साइड बुक में जाइएगा तो अथाह सागर में गोता लगाइएगा, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले एनसीईआरटी पर कॉन्सेप्ट बना लीजिए, तब आपको साइड बुक से भी समझ में आएगा और अच्छे से आएगा। तो अब हमारा है दूसरा टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड। चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर है, ये ए, और मेरे पास दूसरा वेक्टर है ये हमारा बी, ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। सो सबसे सिंपल वाला अभी हम लोग देखते हैं। तो अब ये हमें, हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब इस दोनों को हमको ऐड करना है, सिंपल सा, जैसे कि ये आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा कि वेक्टर को हम सिंपल रूल ऑफ एडिशन मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए स्पेशल अलग रूल है। उसी तरह से यहाँ हम लोग उसको फॉलो करते हैं, दो वेक्टर हमारे पास है ए और एक वेक्टर है बी। अब इस दोनों को हमें ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं कि वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को मिलाते हैं। अब इसका मतलब है इसको हम शिफ्ट करके यहाँ ला ले आए, वेक्टर का हेड ये है, ए का हेड ये है, वेक्टर बी का टेल ये है। अब इसको क्या कीजिएगा, इधर शिफ्ट करेंगे। तो अब इसके बाद हमें जो नया ग्राफ मिला, नया जो मिला अब ये है वेक्टर, ये इसको वेक्टर ये ए हो गया, ये वेक्टर बी है,
अब इसके बी के वेक्टर बी के टेल को हम ए के हेड से कंसाइड करा दिए। अब क्या करते हैं, वेक्टर ए के हेड से क्या किए, वेक्टर बी के टेल को मिला दिए। ये हमारा वेक्टर बी था, उसके टेल को मिला दिया। अब क्या कीजिएगा, इस दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेक्टर ए और वेक्टर ये जो बी है उसको तो पहले वहाँ से दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन बनाए। अब क्या कीजिएगा, ये जो है यहाँ जहाँ वेक्टर बी का हेड है वही ये वाले वेक्टर का हम हेड बनाएंगे, और इस तरह से ये जो हमारा देगा पी एस, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर आर के बराबर हो जाएगा, जो कि वेक्टर ए जो कि वेक्टर ए और बी का, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम है। ये वाला चीज हो गया वेक्टर आर, जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का सम है। चिल्ड्रन, इस तरह से हम ग्राफिकल मेथड से सिंपलेस्ट वेक्टर का एडिशन किए। जो सिंपलेस्ट एडिशन था वेक्टर का वो हमने किया यहाँ। अब देखते हैं इसके बाद वाला, एक और थोड़ा सा इसे कॉम्प्लिकेटेड। सो बच्चों, यहाँ जब हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड किया तो आपने क्या देखा, एक ट्रायंगल बना। वेक्टर ए वेक्टर बी है, इसका रिजल्टेंट दोनों का सम ये वाला है, तो ये ट्रायंगल फॉर्म किया। इसलिए इसको हम लोग ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं, हेड टू टेल मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इस मेथड में हम लोग क्या किए थे, वेक्टर एक वेक्टर के हेड से दूसरे के टेल को हम लोग ज्वाइन किए थे, इसलिए हेड टू टेल मेथड भी कहते हैं। और दूसरा इसका नाम हो गया ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन भी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम लोग ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं। अब मान लेते हैं ये जो वेक्टर ए है ये उसको अब दूसरे प्रोसेस से करने के लिए, वेक्टर ये बी था हमारा, अब क्या किया, वेक्टर ए को इसके हेड से जोड़ दिए। इसका वेक्टर ए का टेल बी के हेड से यहाँ है, अब यहाँ इसका वेक्टर ए का हेड आया। अब इसका दोनों का सम निकालने के लिए क्या करना है, हमको वेक्टर ए के हेड से अब वेक्टर बी के टेल को मिला देना है ये लाइन। तो ये हमारा ये वाला लाइन क्या बताएगा, इस दोनों के वेक्टर ए और बी के सम को। तो ये चूंकि ट्रायंगल लॉ को ट्रायंगल फॉर्म करता है इसलिए ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं। तो ये आई थिंक कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए ध्यान हमें ये भी रखना है कि जब हेड और टेल को ज्वाइन करेंगे तो दोनों के बीच के एंगल को भी हम देखेंगे। तो इस तरह से हम जैसे ये वेक्टर बी के हेड से और ए के टेल को लाना है, तो जैसे ये है वैसे ही यहाँ से इसको लाके यहाँ से ड्रॉ कर दिए। तो इस तरह से हमारा ये वेक्टर ए हो गया, इस दोनों का सम ये वाला लाइन इसके टेल से इसके हेड को मिला है, वो वाला लाइन दोनों के सम को बताएगा। अब चिल्ड्रन एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इससे जिसे आप ध्यान से देखिएगा तो जरूर आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं हमारे पास 3 वेक्टर्स है ए बी और सी। वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, इसके हेड से वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को हम जोड़े हैं, वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, ये देखिए वेक्टर सी है। अब हम क्या करते हैं, पहले वेक्टर ए और बी के सम को निकालते हैं। तो वेक्टर ए और बी कौन देगा, ये वेक्टर ए है वेक्टर बी है, अब इसके टेल से इसके हेड को मिला दिए। तो ये वाला जो ग्रीन वाला लाइन है ये वेक्टर ए और बी के सम को बताएगा, ये वाला लाइन, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल का दो साइड हुआ, ये तीसरा साइड है ग्रीन वाला जो हमें वेक्टर ए और बी के सम को बताएगा। तो ये हो गया आपका एक। अब देखिए वेक्टर सी है, अब इसका सम निकालने के लिए
क्या करते हैं, आप फिर से वेक्टर बी के टेल को वेक्टर सी के हेड से मिला दिए, वेक्टर बी के टेल से क्या करते हैं, वेक्टर सी के सॉरी वेक्टर सी का जो हेड है वहां से लाइन ड्रॉ किए और इधर हेड ड्रॉ किए, यहाँ वेक्टर ये जो नया रेड लाइन है वो वेक्टर मतलब बी और सी का सम रिप्रेजेंट करेगा, और ये रेड लाइन से ड्रॉ किया हुआ और यहाँ बी प्लस सी भी रेड से लिखा हुआ है, यानी कि वेक्टर बी और वेक्टर सी का सम ये वाला लाइन रिप्रेजेंट करेगा। अब चलिए तो अब क्या करते हैं, इस तरह से आप क्या देख रहे हो, ये भी एक ट्रायंगल फॉर्म किया, ये भी एक ट्रायंगल फॉर्म किया, अब इस सब का सम कैसे निकलेगा, तो फिर क्या करते हैं, वेक्टर ए का जो टेल था उससे वेक्टर सी के हेड को मिला दिए, ठीक, और उसका वेक्टर ये इसका जो हेड होगा सी के हेड से मिला दिए, तो यहाँ देख रहे हैं तीनों का ही हेड है, चलिए ध्यान देना है आपको, तो ये जो ब्लू वाला लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के सम को रिप्रेजेंट करेगा ये ब्लू वाला लाइन, जो कि किसके बराबर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के बराबर, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी या ए प्लस बी प्लस सी कर देते हैं। यहाँ ये चीज आपने कहाँ पढ़ा, आप ब्रैकेट में देके बी और सी को पहले ऐड कर दें या ब्रैकेट में देके ए और बी को पहले ऐड कर दें, तीनों का सम हमेशा सेम ही आएगा। तो ये हम लोगों ने किस लॉ में पढ़ा था, मैथ में, मैथ में किस किस मैथ में किस प्रॉपर्टी से ये चीज आता है, किस लॉ को फॉलो करता है, इसे हम लोग कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ। देन बच्चों वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मैथ में आपने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है, मान लीजिए कि ये 3 प्लस 4 करते हैं तो ये हो गया 7 और 4 प्लस 3 करते हैं तो ये भी 7 हो गया, तो ये वेक्टर एडिशन जो है ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन क्या चीज होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। दूसरा है ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 1 + 3 + 5, ठीक है, तो अगर हम 1 और 3 को एक बार ऐड करें तो ये 1 + 3 + 5, अगर ऐसे ऐड करते हैं तो 1 + 3 हो गया 4 + 5, 1 + 8 तो 9 = 9, तो हम प्लेस चेंज कर दें नंबर का तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो उसी तरह से ये वेक्टर एडिशन जो क्या करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। बच्चों अब हम देखते हैं, एक वेक्टर है हमारे पास ए और दूसरा वेक्टर है भी है ए ही, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों का ऑपोजिट है, अब उस दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा ये हमें देखना है। तो मान लेते हैं ये एडिंग टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, इसी टॉपिक में है, एनसीईआरटी में ही है बच्चों, मैं सिर्फ एनसीईआरटी के टॉपिक को लेके चल रही हूँ, सो दैट की यू डोंट हैव यू मे हैव नो एनी कंफ्यूजन इन अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ एनसीईआरटी। तो इसलिए मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, दूसरा वेक्टर भी है ए ही है, है लेकिन दोनों का अभी तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ए प्लस ए करते हैं हम लोग, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है तो 2a हो जाएगा ऑब्वियसली, यानी कि अगर वेक्टर ए को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो अब दोनों का मैग्नीट्यूड पहले वाले ए के मैग्नीट्यूड का ट्वाइस हो जाएगा ऑब्वियसली। अब
एक वेक्टर है हमारा ए प्लस दूसरा वेक्टर है ये, तो अब ये क्या हो गया आपका वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर ए, ठीक है। तो इस दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो आपको सम क्या मिलेगा, जीरो के बराबर, जिसे हम लोग कहते हैं नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। इसे क्या कहिएगा, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर भी इसको कहते हैं, जीरो वेक्टर भी कहते हैं। तो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर का क्या मतलब हुआ, इसे तो हमें जानना चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये आपको फर्स्ट वीडियो में एक हम लोगों ने पढ़ा था कि ओरिजिन है किसी ऑब्जेक्ट का, यहाँ से चलना शुरू किया, कहीं किसी टाइम टी में ये पी पर है और टी डैश टाइम में ये पी डैश पर है, यहाँ है पी डैश पर। तो आप क्या करते हैं, वो ए से ओ से पी से ए पी डैश पर गया, फिर लौट के वो पी पर ही चला आया, तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। पी से चला पी डैश और पी डैश से फिर पी पर आ गया, तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। ये आपका नल वेक्टर है, जीरो वेक्टर है, नल वेक्टर है, यानी कि वेक्टर तो है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, इसलिए इसको हम लोग नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहते हैं। बच्चों ऐसा अभी कुछ भी नहीं आया है जो आपको डिफिकल्ट लगे, तो लगना भी नहीं चाहिए, लेकिन वेक्टर चैप्टर समझने वाला है, ध्यान देने वाला है, तो आप ध्यान से समझिए इस चैप्टर को। मैं सिर्फ एनसीईआरटी के टॉपिक को ही करूंगी और मैं साइड बुक का हेल्प नहीं ले रही हूँ, साइड बुक से मैं नहीं बता रही हूँ बच्चों। तो पहले एनसीईआरटी समझ लीजिए, उसके बाद आप साइड बुक से पढ़ते रहिएगा और अपना कॉन्सेप्ट बनाइएगा। तो आज हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा। अब एनसीईआरटी में आपका दूसरा टॉपिक है सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, तो अगले दिन हम लोग सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखेंगे एनसीईआरटी से ही। अब एनसीईआरटी में ये है आपका, मैं ये पेज नंबर 30 में है सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, उसको हम लोग देखेंगे, फिर आगे के टॉपिक को देखेंगे, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसके आगे नहीं बता रही हूँ। और ध्यान से देखिए बच्चों, और लाइक भी कीजिए, थोड़ा सा कमेंट भी तो लिखिए, बुरा खराब भी वीडियो लगे तो भी कमेंट लिखिए, मिस नहीं समझ में आया, और अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा भी लगे तो भी लिखिए, थोड़ा सा लगेगा लेकिन फिर भी ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, तभी तो अच्छा और बुरा लगे। और मुझे पता है कि आप लोग सब पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, हर जगह पर हर चीज जैसे पढ़ना है वो पढ़ता ही है, लेकिन मैं भी आप लोग के लिए ही वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे जानता कौन है कि मैं 11th 12th में भी पढ़ा सकती हूँ। तो बच्चों ध्यान से देखिए, समझिए, यही मेरी आप लोगों से वो रिक्वेस्ट है। और मैं क्या कहूँ इसके आगे, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कोई क्या करना है। सो थैंक यू एवरीवन।